जो लोग जीते हैं उनके खामोशी भी देख रहे हैं आप। हाँ देखे, हम असेंबली में एक लफ्ज नहीं बोले। क्या बोलते आता, क्या बोले उनको? इसमें जो वो नेठे जाते टिकट बिका करेगा हम। अब पार्टी के नाम पे मेरे, आपके नाम पे मेरे साथ देंगे आप? वायदा इंशाल्लाह। अच्छा नुमाइंदा चाहिए है ना भाई, जिस तरह से हमारा दूसरा नुमाइंदा अच्छा होना है काम के वास्ते। औरों के पास तो हमारे को जाना नहीं है, होने वाला नहीं है। संपत्ति में हुआ था काम, हुआ तो इंशाल्लाह हम सब आपके साथ हैं। जितनी हमारी कोशिश है वो हम जबान से पहले भी हमारी कोशिश थी। आप मालूम तीन टाइम बैठक पीछे मुझे, तो जब भी हम क्या नाकाम हुए, अब अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप हम सब के जायज मकसद अल्लाह पूरे करें। नासिर भाई के हक में हम सब की दुआ कबूल करें। देखो तो तब्दीली होना चाहिए इस मामले के अंदर, मगर तब्दीली के काम चलने वाला नहीं है। दुआ, दुआ भी करो मेरे लिए, सब लोगों को बोलना खुल के। हाँ बोलते पूरी हमारे बिल्कुल आप में है वो भी उस्ताद, हम जानते हैं नहीं जानते। शुक्रिया, आपसे फायदा चाहिए चाह रहा हूँ। आपका वोट भी मिलना है, आपके घर वालों का, अड़ोस पर सबको बोलेंगे आप, दिलों को फिरने का काम रब का इंशाल्लाह देख रहे हैं, कोशिश करेंगे। पाँच साल उनकी खामोशी भी देखे हैं, हमारी जदोजहद। और जो जीते हैं सीट बचाना है, बचाना है, बचाए बीजेपी को रोके, मगर किसके लिए रोके? पाँच साल उनकी खामोशी भी देखे हैं। किसी मामले में ना असेंबली में बात कर रहे हैं ना बाहर बात कर रहे हैं। हम आपसे पूछने आए हो, आप अगर साथ देते हैं, हालात के मेरे से बेहतर आप देख रहे हैं सबसे। कामा भी चल रहे ना, आप बोले नहीं आता हो वैसे में बाबर साहब जाने के बाद आप आते हैं लास्ट में सीट बचाना है वो ये बोलते तक नहीं नहीं वो करना है सीट बचाना है और सही आदमी को भी लाना है। सीट बचा क्या कर सीट भी बचाना है तो सही आदमी को लाना है। सीट बचाने के लिए किसको तो दिल्ली वगैरह जो भी हैं जितने भी सब कॉन्टेक्ट में हैं आपके अंडर में ये करेंगे। अब आप वायदा करें साथ देने का तो खैर हो जाता। अरे बिल्कुल, हम आगे भी आते हैं साथ भी आपके साथ। क्या करना है इलेक्शन का? ये आपका सपोर्टिंग आपसे ज्वाइन हुए हैं पहले से भी आपसे भी। सब लोगों को बोलना टाइम है, आप सब लोग इस बार खुल के सपोर्ट दे रहे तो आज निकल जाए। ठहरना नहीं ठहरना, अरे ठहरना जुड़ा बिल्कुल करना, बिल्कुल करना, कहीं नहीं करना। आप सब लोग खुल के साथ देते बोल तो ठहर सकते हैं। जीवन में आप लोग खुल के साथ देते इस बार बिल्कुल देंगे वादा है भाई। एक नुमाइंदा गुलबर्ग में ऐसा होना दमदार, आप में वो खूबियाँ हैं, अल्लाह चाहे तो आपको जो है इस बार सुन कर लाना हमारी भी ख्वाहिश है। आप सब लोग साथ देने का वायदा करें तो बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह साहब, देखिए हम हर किसी के साथ हैं। वायदा करना आप अभी से सब लोगों को बोलेंगे? नहीं इंशाल्लाह नहीं, हम मेरे तरफ से आप कहिए कि नहीं मेरे को आप 100 लोगों को कम से कम इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कैसा करना, आप सब लोग साथ देते हैं उसको? जरूर जरूर, हम तो आपके साथ ही इंशाल्लाह। सब लोगों को अभी से बोलना शुरू कीजिए, ये नीयत तो है पूरी, वायदा है आपका साथ देने का तो आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो दो बार हारा हूँ। तीसरी बार इलेक्शन आप लोग साथ में दिए तो ठहरने का मतलब नहीं है, पाँच साल आपके लिए लड़ने का मतलब नहीं है। आपकी नीयत है पूरी, आप करेंगे दुआ में शामिल कैसे सब साथ देते बोले तो हिम्मत से आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। वादा है आपका कैसा आप साथ देते हैं देख रहे हैं, सारी चीज़ें मामला भी देख रहे हैं, मार्केट में बैठे हुए हैं, बिजली मसाइल के ऊपर नज़र भी आती है, कोई चीज़ करने रहे हैं तो कोई नाम के वास्ते ही कर रहे हैं। ऐसे हालात में आगे बढ़ के फिरना, इसके लिए मेरी अकेले की ताकत नहीं है, आप थोड़ा सा अपनी हिम्मत हिम्मत थोड़ा आगे बढ़े तो इंशाल्लाह ठीक है। आज से हालात देखते हुए तमाम उमूर नास से गुजारिश करता हूँ कि नासिर उस्ताद जैसे कायद को हमको चुनकर लाना होगा और उनका सपोर्ट करना होगा, क्योंकि आए दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं। हमको ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी को समझें और अच्छे कायद को हम जो है ना सपोर्ट करके अच्छे कायद को लाने की कोशिश करें, कोशिश ही नहीं करके बल्कि जो है ना नासिर उस्ताद को जो है ना अच्छी लीड सी लाएँ और उन्हें कामयाब बनाएं, क्योंकि हालात ऐसे हैं। हालात को मद्देनज़र रखते हुए मैं सारी अवाम उन्नास से गुजारिश करता हूं और बाज़ार के तमाम व्यापारियों से गुजारिश करता हूं कि नासिर उस्ताद को सपोर्ट करके इंशाल्लाह ताला उनको लीड सी जीत के लाएं। क्या करना है लेकिन ठहरना नहीं, ठहरना बिल्कुल ठहरना 100% ठहरना।
सब लोग खुल के साथ इंशाल्लाह जरूर साथ देंगे हम। आज मैं अभी हमारे दोस्त वही बात कर रहे थे, पाशा मामपुरी मैं बैठ के यहाँ पे वही बात कर रहे थे कि भाई एक होके हम लोग एक कोई जिताएंगे तो बेहतर रहेगा, बटना नहीं चाहिए आपस में। इसलिए आप थोड़ा सा पहल कीजिए लोगों को, बात जरूर कभी भी याद की जाए। हमारे 17 साल 18 साल पुराने साथी थे, फिर एक इंशाल्लाह जरूर देंगे ना सिर्फ आपका साथ। असिस्टेंट साहब मेरी दुकान पे आए थे और मैं उनके लिए मैं हमदर्द हूँ बहुत, और इंशाल्लाह जो है ये साल वो टुनू ही जीतेंगे और उनके लिए आप सब लोग मिलके मदद कर दी। नासिर साहब में बहुत से खूबियां हैं, अलन की ये दरगाह का और महबस मस्जिद का कौन सा एनआरसी और बहुत से जो डीजे बजाते मस्जिद के सामने ठहर के ये बीजेपी वाले, इसलिए अब मुसलमानों को एक होना चाहिए। इस वक्त बहुत ज़रूरत है हमारी कौम के लिए, हमारी कौम बहुत परेशान है इस वक्त। इंशाल्लाह अल्लाह चाहा ना तो उन्होंने जो है इलेक्शन में अच्छे वोटों से जीतेंगे। हमारी सबकी ख्वाहिश है कि भाई नासिर भाई को लाए, और हम पहले भी कोशिश किए हैं, आज भी कर रहे हैं, और जब तक ही आए तब तक करते रहेंगे। और वे इस यहाँ के एक अच्छे जाने माने लीडर जैसे खमर साहब थे उस टाइप के कोई अच्छे, हम वैसे आदमी को हम पसंद करना चाह रहे हैं, क्योंकि मर्द आदमी है ना भाई, इन्हों क्या है पहले हमारे खमर साहब जैसे थे उसके उस रूप में आ रहे हैं ये, तो हमारी ये सबकी कोशिश है कि इंशाल्लाह हम सब मिलके हम नासिर भाई को सपोर्ट करना चाहेंगे। गुलबरी की आवाम को ये दिन देंगे भाई देखिए जो बेहतर समझते आप उसको वोट दीजिए। मैं हर एक का जाति वोट का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, हर एक को अपने अपने राइट्स है, ये डेमोक्रेसी है, इसमें जो आपको अच्छा लगता है इस गुलबर्ग के शहर के लिए वो कैंडिडेट को चुने और वो कैंडिडेट को चुन के लाने की कोशिश करें। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन फतेह खानी। हाँ नासिर उस्ताद को वोट दीजिए आप, नासिर उस्ताद में वो अखलाक है, वो अहमियत है, उन्होंने बहुत कुछ ये कुछ कर सकते हैं उन्होंने। देश से गुजारिश है गुलबर्गे आवाम से नासिर उस्ताद हुसैन का सपोर्ट दीजिए। आप लोग साथ देने का वायदा करें तो मैं आगे वायदा है आपका, आपके दोस्त है रिश्तेदार घर में परिवार तुम सब लोगों को बोलेंगे आप लोग साथ देते हैं इस बार बोलो तो आगे बढ़ो इंशाल्लाह। अब आप पीछे पावरफुल हैं मतलब साथ देना ना आप सब लोग उनके साथ देते महल्ले वाले फायदा है आपके खाते में बरूबर है जमील लाहौरी हमारे बनी साहब ओहो पूरा खानदान ना खानदान मैंने बोल दिया आप मेरे को आप वायदा करो आप अपने दोस्तों को जरूर दोस्तों को रिश्तेदारों को अड़ोस पड़ोस को मोहल्ले में सब लोग खुल खुल के बोलना झिझक नहीं हक का साथ देना है बताना है हमारी जदोजहद बताना है उनके खामोशी बताना है वायदा है आपका इजाजत लेने आए हैं आप नहीं नहीं मैं समझ गया ये तकसीम करे नहीं हालात देख रहे हैं हाँ देख रहे हैं बिल्कुल बदतर हो गए हालात तो जिन जो पैदा होंगे जी रहे वो अलग चलिए समझे फिर क्या बोलूँ मैं नहीं बोलूँ। अब सियासी इख्तदार एक ऐसी है जहाँ पे सब लोगों की ताकत बन सकती है एक यूनिटी का हमारा एक तो आदमी होना ना भाई वो कोई सोचो हम जहाँ पर बसते हैं है नहीं बोलूँ क्या हम उठे कि दिल्ली जाते हैं स्टेज पर ठहरने वाला आदमी ऐसा झड़क ना मैं तो बोलता हूँ आपके कह जाना सब जने छक्के छूट जाना सबके मैं बोलने वालों के है क्या नहीं आप इस बार मेरे को वायदा करो साथ देंगे देखो तो तब्दीली होना चाहिए इस मामले के अंदर मगर तब्दीली के काम चलने वाला नहीं है दुआ भी करो मेरे लिए सब लोगों को बोलना खुल के हाँ बोलते पूरी हमारे देखो भाई नासिर भाई हमारे दुकान तक आए हम बहुत खुशी हुए इससे इसे क्या होता है मालूम है हमको बहुत खुशी होती है अपना आदमी जो है जीत कराना मुसलमानों का कोई रहबर नहीं है कोई इख्तदार को हमारे आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं है हमारे साथ थे जरा फिर भी हमको हिम्मत थी अब जो इन आए हैं तो जो ना इनका साथ देना हमारा फ़र्ज बनता है ना ये काम होना ज़रूरी है हालात बहुत ख़राब हो गए हैं आजकल देश के हमको जो है ना यहाँ पर मुखलूस मोहब्बत से सबको जो है ना हर कौम को लेकर हमको जो है चलना है यहाँ पर हमको अकेले जीना नहीं है हालात देख रहे हैं कितने तब्दीली आ गई महंगाई का क्या हालात आजकल हर आदमी परेशान रोटी रोजी के लिए परेशान दिन पे दिन जो है ना हालत बिगड़ती जा रही है
ये हमको पसंद नहीं है, हमको तब्दीली लाना है और उस्ताद साहब को जो हमको जिता के लाना है आपके पर, और हमारे आदमियों को भेज कर हमारी क़ुव्वत को बढ़ाना है और सबको लेके चलना है। हम ये नहीं कि जो ना हम मज़हब के नाम पे बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, हर कौम के आदमी की हमसे मोहब्बत लेके उसके साथ जो हमको जिताना है इनको, समझे आप, है ना। और हमको हमारा आदमी चाहिए एक हमारी आवाज़ उठाने के लिए, कोई पुकारने के लिए कोई हमारा आदमी नहीं जाके वहाँ पर। इसका बलहा है कि मैं एक अच्छा नुमाइंदा चाहता हूँ, है ना भाई, जिस तरह से हमारा थोड़ा सा दूसरा नुमाइंदा अच्छा होना है काम के वास्ते, औरों के पास तो हमारे को जाना नहीं है, होने वाला नहीं है, संपत्ति में हुआ था काम हुआ क्या है। आपकी राय क्या कर रहा है? बिल्कुल राय का हम शुरू से आपके साथ, पहले से लास्ट टाइम पे भी थे हम, पर वो मसला अलग था लास्ट टाइम का। आपका तो तकरीबन आपके चेवर में लोग हैं बोल रहे हैं, लास्ट मोमेंट तक छोड़ना नहीं है, ये एक आपके गेट टुगेदर जो है पसंद आया मेरे को। आप इजाज़त लेने आए हैं इलेक्शन, अब ठहर रहे हैं, ठहरना नहीं ठहरना होगा, क्या सब तो हक हर किसी का हक है। आप अगर साथ दो इलेक्शन हुआ आप लोग साथ देने का वायदा करते हैं तो ठहरता हूँ, वरना मतलब नहीं है। ऑलरेडी दो बार ठहरा हूँ, हारा हूँ, हिम्मत नहीं आ रहा हूँ। 5 साल में मामला क्या क्या किस नोयत के हैं वो भी आप देख रहे हैं, हर चीज़ में पहल कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, साथ देने का वायदा। क्या सर नहीं अब क्या बोलना, हम बोले तो हमारे नासिर भाई यहाँ तक आए हुए हैं, उनको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि पूरा बहुमत से जो है ना उनको वोट डाल के उनको विन करना बोल के मेरा इरादा है ना। ಇದು ಎಷ್ಟು ಅವ್ರು ಬಂದಾರ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನವ್ರು ಬಂದಾರ ನಾಸೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹ್ ಅವ್ರು ಬಂದಾರ, ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಹನತ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸ್ ತರಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಅಂತ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಿದೆ ಗಿರೀಶ್ वो असेंबली के इतने संगीन मामला हिजाब से लेकर एनआरसी से लेकर आलंद का हलाल कट झटका कट मुसलसिल आलंद का मामला असेंबली में डिस्कस हुआ, सारे चैलेंजेस में एक लफ्ज भी मुने मैं आपको यहाँ बोल रहा हूँ, इस बार साथ दीजिए, जब तक जिंदा हूँ आपके साथ रहता हूँ, समझ रहे, पहले जो हुआ है आप हुआ है आप भुगते हैं, एक नहीं ये एक प्लान्ड तरीके से हुआ है। बीजेपी का वो जो ऑफिसर था वो पुलिस ऑफिसर नायक था पायक था उन्हें तुम लोग चालू बोलने वाला कोई नहीं था, नहीं कोई आया नहीं, मैं मेरे को अच्छा हमारी मतलब हमारे इससे लेकर हम ये चीज़ को नहीं, जो रोजमर्रा जिंदगी के जो लोग हैं ना वो लोग बहुत परेशान हो गए उस टाइम पे हर वो चीज़ से, उस वजह से जब जाके हम उनको अप्रोच हुए कुछ रिजल्ट हमको नहीं आया, उसके बावजूद मैं नासिर भाई इससे पहले मिलकर भी बोलो पुरानी कहानी 1978 की हो गई है, एक नई कहानी सिंपति के नाम पर बीजेपी के डर के नाम पर ये कहानियाँ हो गए। अब हमको बीजेपी जीतती में आए सीट बचाना है बोल के भी वोट डाल के देख लिए क्या भी नहीं आया सब रिजल्ट वही आता है, ये क्यों होता है आप पूछे कई कुन बात करे बोलते तो उनको समझ में आता नहीं, सियासी आदमी होना जो आदमी कनाडा में बात कर सकता है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है मालूम है आपको, ये सियासी मामले हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कानून है जिसमें तमाम मज़हब के लोगों के लिए एक ही कानून रहेगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ निकाल जाएगा, हिंदू पर्सनल लॉ निकाले जाएगा, ये फैसला करने वाले हैं, ये पूरा शरीयत में मुदाखलत होने वाला है, इसके ऊपर बहस असेंबली में होने वाली है, यह बहस कौन करना उन्होंने मुसलमानिज करना पड़ेगा ना शरीयत में किन पहलुओं पर मुदाखलत, हिंदू भाई के भी ये करना हमारे भी समझना, ये सारी चीज़ें ऐसे मामला ऐसे हालात में आप लोग जिम्मेदारी से वोट करने के लिए लोगों को अगर बोले तो रिजल्ट इंशाल्लाह क्या सब ये मेरा और आप मेरा जातियत नहीं है,
ये इलेक्शन मेरा नहीं हो सकता, मेरी ताकत भी नहीं है इलेक्शन जीतने की, मैं अकेला करूंगा हो जाता नहीं। वो बड़े बड़े लीडर बोलते हैं हमारा नाम पे होता, हमारी पार्टी के नाम पे होता, बोलते मैं वो नहीं बोलता। उनको जो है हिमाकत है पार्टी ने, बड़े उन्हों क्या बोलते हैं, उन्हों क्या बोलते हैं सिंबल आया तो बस गला भी ठहरा जीतता बोलते हैं। हमारा मैं बोल रहा हूँ आप लोग हक बोलना, जो महसूस कर रहे हैं जो आगे आने वाले चैलेंजेस हैं उस चैलेंज को समझ कर एक जिम्मेदारी का फैसला लिया तो इंशाल्लाह कामयाबी सब कुछ हो है, अल्लाह मदद करने वाला है। असेंबली के अंदर बहस करना ज़रूरी है, बात करना ज़रूरी है, मुसलमान उठ के ठहरना पड़ता कि ये पहलू पे हमारी शरीयत में मुदाखलत हो रही है, हम इसके लिए तैयार नहीं हैं, बोलने वाले को आगे बढ़ना पड़ता। आज के दिन मेरे को मालूम है मैं बहुत मुश्किल रास्ता अपनाया हूँ, मेरे पीछे बहुत बड़ा गॉडफादर नहीं है, बहुत बड़ा पैसे वाला पैसे लगाने वाला नहीं है, मेरे पीछे ऐसी पार्टी नहीं है जिसको सिंबल देख के निशान देख के आप वोट डालते हैं, नहीं मालूम है मेरे को। मगर ऐसे हालात में मैं अपने आप को पीछे नहीं हटना चाह रहा, क्योंकि मेरे वालिद मेरे को सियासत में रखे हैं, इतने मुश्किल से रखे हैं, और मिल्लत के सामने आगे ज्यादती होंगी, जुल्म होगा, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए आपसे पूछना आया हूँ। आप लोग साथ देते बोले तो मैं आगे बढ़ता हूँ, वरना मेरी लड़ाई अब तक जो लड़ा हूँ वो भी मतलब करनी है, जिनके लिए लड़ रहा हूँ उनको अगर उस चीज़ का एहसास नहीं है तो मेरी लड़ाई बेमाने है। आगे भी मैं आपके लिए, मिल्लत के लिए, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए, आपकी आवाज़ बनने के लिए पहल कर रहा हूँ। आप साथ देने का वायदा किए तो आगे बढ़ सकता हूँ, नहीं तो मतलब नहीं। अब मैं एक ही सवाल एक ही जवाब देना, मैं मसले बहुत हैं सवाल बहुत हैं, ये बड़े बड़े मसले आपको सुनाया, छोटे छोटे मसले बहुत हैं, ठहरो ना को ठहरो, साथ देते नहीं देते। हमारे हिंदू भाई यहाँ भी है, निंदर बेकार निंदर भर दो, आगे बढ़ो खुल के, आपके सेठ बोले तो भी नहीं सुनना, कोई बोले तो नहीं सुनना, ठीक है, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।